much fun in ages. What did you say your name was? तो भाई क्या हाल है सबके। देखो यार वापस से तुम लोग का स्वागत है WCS गेमर्स में। अभी हम लोग खेल रहे पोकेमॉन एकल्ट प्रो प्रे, ठीक है। ये वाला गेम काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक है। और हाँ, मेरे वीडियो को यार तुम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और सबसे पहला चीज़ यार अपना सेम पार्टी, ठीक है। पार्टी में देख लो यार, अभी हम बल्बसॉर को हम ट्रेन नहीं किए है, ना कि अभी कोई और पोकेमॉन को हम ट्रेन किए है। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हैच करें ना तो हमको पता चल जाए कि यार कौन सा अच्छा अच्छा पोकेमॉन हम लोग को मिल रहा है। लेकिन एक मजेदार चीज़ तुम लोग को बताएं ना, यहाँ पे पता नहीं एक बैटल अरीना जैसा या कह लो, यानी तो बैटल होता है, ठीक ना, जो कि काफ़ी सही रहता है। वो बंदा पता है हम लोग को क्या करता है, बैटल तो करता है, एक्सपीरियंस तो देता ही है, और साथ में रेयर कैंडी भी देता है, वो ज़्यादा सही है। चलो अभी चलते हैं हम लोग वहीं पे। यहाँ पे बग कैचर के साथ फाइट होएगा। इसको हम अपना क्या नाम है, पेकी पैक, इसी से हरा देंगे या डिफीट कर देंगे आराम से। पैक अटैक भाई बहुत सही है, अक्रॉस ऐसे भी बग और फाइटिंग टाइप होता है, इसलिए इजी टेक डाउन। देखो हम कोशिश किए कि बल्बसॉर मेरा इवॉल्व करके आईवीसॉर बन जाए, लेकिन हाँ वहाँ नहीं कर पाया। यहाँ पे तीन चार ट्रेनर थे जो कि कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ हमको यहाँ पे मेगा स्टोन भी मिला है, ठीक है। और भाई ये वाले दो डड्डू जी है ना, या दादाजी कह लो, सेम डड्डू जी, ये हम लोग को ना सीमी सेज का जो उतना नहीं है, पैन सेज पैम्पोर और वही सब पैम्पोर, यही सब का एवोल्यूशन फाइनल वाला फॉर्म के साथ बैटल होता है। यहाँ तो ये पैम्पोर का एवोल्यूशन चूज किया है, ली सीड। हम बल्बसॉर मेरा इसको हरा सकते हैं ना, तो भाई इवॉल्व कर जाएगा। अरे नहीं, अरे भाई ये क्या किया, अरे यार। अब हमको यार अपना फ्लाइंग वाले पोकेमॉन को भेजना चाहिए, वाटर वाला को नहीं भेजेंगे। चलो अच्छा है कि ली सीड है, इसके ऊपर तो हमको भी HP मिल जाएगा। पेकी अटैक करो, हम सोच रहे फाइटिंग टाइप मूव करेंगे तो ये एक बार में हारेगा क्या, डिफेंस गिरता है फाइटिंग टाइप मूव से, करके देखते हैं, हार जाए तो सही है। चलो हार ही गया, उम्मीद कम था हमको, लेकिन हाँ हार गया तो ज़्यादा सही है। ये ना इसको हम हरा देंगे आराम से। ओहो डबल अटैक खाएगा, अरे यार ये भी फ्यूरी स्वाइप कर रहा है यार, ये लोग कैसा यार, ये क्या है। चलो कम से कम हार गया वही बड़ा बात है, नहीं तो यार समझ ही रहे हो। अब इसका लास्ट वाला फायर वाला पोकेमॉन आ गया, चलो कोई नहीं, इसको तो हम आराम से यार टेक डाउन कर दिए वाटर टाइप मूव से। ओ मैन, देखो हम अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लड़े क्योंकि यार मेरा बल्बसॉर फेंट हो गया, हमको उसको ये करना पड़ेगा रिवाइव, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को एक तो रेयर कैंडी भी मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है, और अभी शाम भी हो गया है। हम लोग को पता है इस टाउन में हम लोग को यहाँ जो सीवेज है ना इसी को कवर करना है, तो सबसे पहले यार अपने पोकेमॉन्स को हील्ड करवा लेते, और तुम लोग को यहाँ पे हम जिम विम भी दिखा देते किस साइड है, और सीवेज का हम रास्ता भी बता देंगे कहाँ से तुम लोग को शॉर्टकट पड़ेगा कि हम लोग जल्दी से उसको कवर कर सकेंगे। ये तो अपना जिम है, कह रहा है कि भाई पहले जाके स्वाम्प को क्लियर करो उसके बाद हम लोग करेंगे। एक मिनट, शायद हम ये नहीं किए, अपने पोकेमॉन्स को हम फ्लैश नहीं ना सिखाए मिला था, तो हम देख लेते हैं। हाँ लगता है नहीं सीखा, हमको एक बार चेक करने दो। ये बल्बसॉर सीख सकते हैं ना फ्लैश, इसी को सिखाते हैं। देखो दिक्कत है कि यार बल्बसॉर को हम फ्लैश जैसा मूव तो सिखा देंगे, गाउल है ना इसी को हटा देते हैं। चलो कोई नहीं, कुछ नहीं सही तो यही सही। देखो हम सबसे पहले अभी कुछ कुछ चीज़ और ख़रीदना है हमको। सबसे पहला चीज़ यार हम थोड़ा सा रिपेल विपेल भी देख रहे हैं, क्योंकि यार स्वाम्प में यार बहुत सारा पोकेमॉन एनकाउंटर होता है, इसलिए रिपेल ये रहा। कितना हम खरीद लें, मे बी 10 या 5, 10 सही रहेगा क्योंकि हमेशा 10 ही रिपेल हम खरीदते आ रहे हैं, 10 सही है। और हाँ तुम लोग मेरा गेम प्ले को ना यार हेडफोन लगा के यूज देखना, वो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा क्लियरिटी मिलता है। देखो हम लोग को न पोकेमॉन सेंटर के जो बगल वाला जो है ना ये स्वाम्प वाला जो केव है या टनल जो भी कह लो इसको, इसी में से आना, क्योंकि ये हम लोग के लिए एक शॉर्टकट जैसा है और हमको यही रास्ता याद है, तो इसलिए हम यही रास्ता यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट देखने दो, मे बी यहाँ से हमको नीचे, नहीं यार एक मिनट, वापस से लाइट ऑन हुआ, यही वाला हमको इसमें जाना था। हाँ ओ मैन, चलो काफ़ी ज़्यादा सही। अरे अब ये क्या है, लिटिल टाउन,
ये बंदा इंटरेस्ट रिस्क, अच्छा ये सीधा सीधी इसका कहना है ना कि भाई स्वाम्प के अंदर जाओगे तो यार काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और ये लोग तो भाई जियोवानी के मेंबर्स है, वही सेम चीज़ अपना कहानी, हमको ये सब से नहीं मतलब है। ये क्या सिल्वर है क्या यहाँ पे? ओह यू जर्क, अरे ये क्या बोल रहा है हमको बेवकूफ, काम डाउन। अच्छा हम काम डाउन, तेरी तो भैंस की आँख अभी हम कर देंगे। ये तो जियोवानी का बेटा होता है ना सिल्वर, यार यही है यहाँ का मुसीबत का जड़, यही लोग को हमको रोकना है, जियोवानी को, सिल्वर को। हाँ क्या हो सकता है यार, चलो कोई नहीं, इसको रोकते हैं और देखते हैं इसके पास कौन कौन सा पोकेमोन है। 4 पोकेमोन तो यूज़ करेगा। ओहो गैशली है, बल्बशॉर हम पोकेमोन चेंज करेंगे अपना फ्रोकी सही रहेगा यहाँ पे, फ्रोगी डियर है ना ये, चलो कोई नहीं। लिक अटैक करते काफ़ी ज़्यादा सही यार, 1 हिट पेंट किया, ओहो काफ़ी सही। और देखो हम वापस से बल्बसॉर को चूज़ किए थे, ठीक है हम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि जल्दी से इवॉल्व कर जाए। वाटर पल्स, ओहो गजब यार गजब, सच में गजब। चलो वापस हम बल्बसॉर को ले आए, इसका क्रोकोडाइल है ना, हम इसको हराएंगे। हम लीसीट करते हैं सबसे पहले, आइस बीम, ओ मैन ये तो तगड़ा तगड़ा मूव सिखाया हुआ अपने पोकेमॉन्स को। कोई नहीं ली सीड, बस मेरा सही से काम करते रहे, और हम वाइन बिप करते, वो भाई डैमेज दिया। अरे यार फिर से, अरे बस, अरे यार नहीं सर्वाइव कर पाया, डैम। हम जब सोच रहे कि ये इवॉल्व करेगा उसी टाइम ये फेंट हो जा रहा है मेरा बल्बसॉर, ये क्या मुसीबत है यार। ये सिट्रस बेरी ये सब कुछ दिया हुआ है इसको, कमॉन इसका हमको डिफेंस गिरा लेना चाहिए रॉक स्मैश से, वही ज़्यादा सही है। रॉक टॉम्ब, ओ मैन ये भी मेरा, रॉक टॉम्ब से क्या गिरता है, एक्यूरेसी या अटैक पता नहीं, या स्लो भी होता है शायद। चलो कोई नहीं, मेरा रॉक स्मैश से ही हार गया तब, स्लो करो या तेज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीडोरिनो वाटर पल्स इसके ऊपर सही है, ये पॉइजन और ग्राउंड हो जाता है, यानी तो पॉइजन और नॉर्मल रहेगा। हाँ कोई नहीं, चलो जैसा रहे, अभी के लिए तो यार हम आराम से सिल्वर को टेक डाउन कर दिए। और हाँ हम सबसे पहले यार अपने पोकेमॉन्स को हील्ड भी कराएंगे, ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ होगा। चलो हम हील्ड करा के आ गए, ठीक है अब हम यहाँ कोशिश करेंगे भाई कि हम जीते। हम यार इस बार हम चाहते हैं कि यार जल्दी से वो आई बी सॉर बन जाए, बहुत ज़्यादा यार बेकार लगता है जबकि हार जाता है पूरा बैटल। तो वैसे आर्ब्रो यानी कि एक कैंस है, पोकेमॉन चेंज करके यार इसी को मौका दो, फ्रोकी को, रोकी का एक अटैक। अरे यार इसको पैरालाइज क्यों कर दिया वो बेवकूफ, वाटर पल्स करने दो। अरे अब एसिड भी कर रहा है यार ये, पॉइजन पैरालाइज करने से स्पीड कम हुआ मेरा, दो दो अटैक मेरे ऊपर कर दिया वो। हाँ चलो लेकिन कोई नहीं, हम इसको हरा ही दिए कैसे भी करके। उसके पास आर्बोक और आर्बोक बोलते क्या नाम था उसका, एकेंस और सर्वाइपर था। चलो ये तो अपना भाई आई बी शॉट बन गया। अब देखो अभी हम हील करा के नहीं आए, ठीक है हम सोच रहे यहाँ पे पहले बैटल कर लेते, देखते हैं कि मेरा बल्बसॉर माने आई बी सॉर अभी यहाँ क्या कमाल कर सकता है कि नहीं। चलो यार अब पता चल ही जाएगा कि ये जीत सकता है कि नहीं, वो पूछिए आना है ना, शायद जीत सकता है। ओह हो मेरा वाइन भी यार बहुत सही काम किया इसके ऊपर। चलो हम आराम से यार पोकेमोन को अपने बैटल में यूज़ कर सके, और आई बी सॉर अभी से ही धमाल मचाया है। चलो यहाँ पे भी देखते कर पाता है कि नहीं। अरे यार ये वाला ना है, हम पोकेमॉन चेंज ही कर लेंगे, हम ऐसे वापस से इसको ही मौका देंगे क्या नाम है अपना फ्रोकी को। थोड़ा सा यहाँ पे बैटल बैटल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पोकेमॉन यार मेरा एचपी कम दिख रहा होगा, हम जबकि हील्ड करा है, ऐसा नहीं कि बिना हील्ड किए हम यहाँ तक आ गए। ओ लगता है आ गए साइंटिस्ट के पास, ये लोग पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या किसी पोकेमॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये लोग का, पता नहीं क्या नेसेसरी कैलकुलेशन, ऑलरेडी मेड सोर्स इनवाइट, माय शाइड प्रेडिक्शन, आवर जर्नी, इनक्रेडिबल एंड, फलाना ढकाना, यार ये लोग का बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। और फिर मुकी खा के ये लोग बैठ जाते हैं हमसे। चलो कोई नहीं जो रहे, अभी ये लोग का बातचीत चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आ जाए यार सीधा सीधी ये बैटल वैटल कर ले। ओ ये भी आ गया मिस्ट, चलो सही है, मिस्ट के साथ यानी कि कॉम्बो बैटल,
मिस्ट अपना येलो को देख लेगा, हम तब तक साइंटिस्ट को देख लेंगे। और हम पहले बता रहे साइंटिस्ट जितना हमको फुड्डू लग रहा था उतना फुड्डू है नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा स्किल ट्रेनर था वो। चलो कोई नहीं, अभी के लिए जल्दी से हम कोशिश करते हैं कि बैटल स्टार्ट करें ये लोग का बहुत ज़्यादा कथा कहानी होता है। कमॉन यार, कितना भच भच करेगा भाई। अब ये लोग जब स्टार्ट करें हमको नहीं फर्क पड़ता है, इंतजार करो माई सेल्फ। ओ चलो अब जा कर के ये लोग बैटल करेगा। चलो इस साइंटिस्ट को भी ढूल चटाया जाए। इसके पास पैरीगॉन है ना, हम इसके ऊपर लीसीड कर सकते हैं, करके देखें क्या। ओह चलो हो भी गया लीसीड, 15 लेवल का है ना, हम इसको हरा सकते। ओ नहीं यार, ये ट्रायंगल वाला अटैक जो कर रहा है ना, ट्राई अटैक, उसकी वजह से हम हार सकते थे, लेकिन कोई नहीं, अपना फ्लाइंग वाला को मौका दे के देखते। ओ भाई इसका अटैक HP हाफ तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ डैमेज दिया है। ओ बहुत सही यार, काफ़ी ज़्यादा सही। इसको पता है, इसको हराने में भाई सच में मेरा नानी दादी याद आ गया। इसका जो स्पिरिट टोम था ना लास्ट में, वो सबसे ज़्यादा मुसीबत मेरे लिए खड़ा किया। बार बार उसको सुपर पोशन से ये रिवाइव करते आया है, कैसे कैसे करके हम जीते सिर्फ हम ही जान रहे हैं। वीन आईबीसॉर का मदद से हम जीते साइंटिस्ट को हराने के। यार बहुत गंदा वाला ये मेरा हालत ख़राब कर दिया था। अब ये क्या स्टार्ट कर दिया यहाँ पे सर्किट में, ओवरलोड। डैम यार, ये जगह को रुइन बना के ये छोड़ देगा बेवकूफ़। चलो हमको लगता है मिस्ट बाहर ले आया और ये बताना चाहता है कि भाई देखो टीम जो रॉकेट है ये काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर पोकेमॉन्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और इन सब के पीछे जियोवानी है। देखो हमको पता है कि जियोवानी और सिल्वर उसी का बेटा है, जियोवानी का ही, तो अब हम ही को रोकना है। तुम बस मेरा साथ दो, आगे पीछे रहो, और जहाँ हमको दिक्कत लगता है वहाँ आ जाओ, मेरे पोकेमॉन्स को हील्ड करो, तो अपना यार संभाल लेंगे सब कुछ। हाँ तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो कि हमको यार कुछ पोकेमॉन का सजेशन दे सकते हो कि इस गेम में कौन सा पोकेमॉन अच्छा रहेगा मेरे लिए, ये एक चीज़ कर देना बस। हमको भी सही से पता नहीं है, लेकिन हाँ हम अच्छा टीम रखने का कोशिश करेंगे, अच्छा पोकेमॉन कुछ। चलो देखते हैं, यहाँ पे इस मिस्ट तो चला गया, हमको भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। एक मिनट, हम जा क्यों नहीं पा रहे, ये क्या मजाक है। अच्छा वो हम उल्टा उसी केप के अंदर ही जाने का कोशिश कर रहे थे, चलो कोई नहीं। हाँ ओ मैन, यहाँ तो रात हो गया। चलो कोई नहीं, हम अपने पोकेमॉन्स को हील्ड कराते चलते हैं हम लोग जिम में, क्योंकि अब हम जिम लड़ सकते हैं। चलो देखा जाए क्या होता है। देखो हमको सही से पता नहीं है कि हम जिम चैलेंज करने के लायक है कि नहीं अभी के लिए। मेरे पोकेमॉन्स का लेवल तो ठीक ठाक ही है, और हम इसको थोड़ा सा आगे कर लिए लेवल 3rd पे ही, क्योंकि हम कोशिश करेंगे यार। हम पता है एक चीज़ और क्या करेंगे, हम यहाँ पे गेम को खेलेंगे ऑफिस के, हम एक को हैच करके देखेंगे, अच्छा पोकेमॉन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो यार हम गेम को दोबारा से खेलेंगे। और हम कोशिश करेंगे ना, क्योंकि रैंडम पोकेमॉन अपीयर होता है, तो हम रैंडम पोकेमॉन में से कोई अच्छा पोकेमॉन अपनी टीम में रखे। यहाँ पे यार पॉइजन टाइप जिम है ये, चलो देखते क्या होता है। हम ऐसे इस बंदे को लड़ के ना यहाँ का सारा पोकेमॉन ट्रेनर को हरा देंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। इसके पास बीडल है ना, अपना पिकी पेक यहाँ पे सही रहेगा इसका, मे बी हम, अरे यार हम गलती से तेजी के कारण हम वाटर पल्स वाला अटैक जो नहीं था अपना फ्लोकी को यूज़ करते थे, इसलिए कर दिए। चलो कोई नहीं अपना, लेकिन पेक अटैक से ही हम इसको हरा दिए आराम से। देखो यहाँ ना पजल है, और पजल हम देख लिए कैसे सॉल्व करना है। ये वाला जो है ना, ये वाला पजल नंबर 2 है, नहीं नंबर 1st है ये, ठीक है। ये वाला ऑन किए, फिर हम लोग को चलना है नंबर 2 बोल रहे थे उसको, नंबर 2 इस साइड वाला है। देखो ये वाला जो है ना, ये नंबर 3 है, नंबर 2 यहाँ पे है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, हाँ एक ये ब्रिज ओपन हो गया, ठीक है, 2 ब्रिज ओपन हुआ, और ये रहा 3rd 1। चलो शायद हो गया, हमको सही से नहीं पता, चल के अभी देखते हैं वहाँ पे ब्रिज आया है कि नहीं, क्योंकि यार ये सेकी ब्रिज था या शेक, ओ ये क्या मजाक है यार, ब्रिज नहीं आया क्या, हम उल्टा बटन दबाए हैं। हमको एक बार देखने दो हम क्या गलती की है। 3rd वाला पे ही तुम जाके सब कुछ किए थे, हाँ
दबा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। शायद हम उल्टा बटन दबाए हैं क्या? हमको एक बार करने दो वापस से ये वाला। अच्छा पार्ट फर्स्ट ब्रिज, ये लिख रहा हम पढ़े नहीं तेजी के चक्कर में कि वो लिख रहा था। ये वाला पक्का थर्ड है, हमको याद है ये चीज़। तो यानी कि सेकंड वो वाला है। देखो पहला ब्रिज का पार्ट जो था ना वो आ गया, सेकंड ये वाला है। ओ मैन, हम यही रहता है क्या, तेजी के चक्कर में हम गलती कर देते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते। चलो कोई नहीं, अगला बार हम थोड़ा सा हिदायत रखेंगे। ये नंबर टू वाला भी आ गया, अब नंबर थ्री का बारी है। चलो जल्दी से इसको भी लगा लेते हैं, एक्टिव पार्ट थ्री। चलो ब्रिज तो अब कम्प्लीट हो गया, अब हम लोग चल सकते जिम लीडर के पास। देखते यार इसका नाम क्या है। यार ये ब्रिज अनस्टेबल है। चलो हम पहुँच गए इसके पास। देखो थोड़ा सा ना अपने परफॉर्मेंस को हम लेवल अप भी किए वही स्वाम्प में जा करके। और हाँ खास करके हम पता है लेवल अप कहाँ किए, जो सीमी सेज वाला नहीं था बंदा वही, उसके पास से तीन बार लड़े। अब हम रेड कैंडी लेकर के अपने पोकेमॉन्स को इवॉल्व किए, मान इवॉल्व क्या किए, मान लेवल अप कर लिया अच्छा से 30-31 लेवल पे, जो कि काफ़ी सही था। ये पता है इसका जो ये ग्लूम है भाई, ये इतना गंदा पोकेमॉन है, ये तो हमको पहले तो यार इतना वो कर रहा है स्लिप पाउडर करके, देख ही सकते हो यहाँ पे सीधा पॉइजन, क्या उसको कहा जाता है, पॉइजन बॉम्ब या स्लज बॉम्ब कर करके हमको हरा रहा है। देखो अभी भी यार गजब है यार ये, हम पैक अटैक करके इसको हराने का कोशिश करते हैं। कमॉन चलो इसका अटैक तो मिस कर गया, वही स्लिप पाउडर। कमॉन यार बस बस बस, अरे यार बच कैसे गया, अरे यार हम पैरालाइज्ड हो गए। डैम ये क्या मजाक है। ओ मैन अब मेरा जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अब हमको। अरे यार कमॉन यार अटैक कर ले भाई। अरे नो किया 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 भाई, बस एक एक अरे यार नहीं गई। वाटर वाला को हमको मौका देके देखना चाहिए। देखो हम रिक्स ले रहे हैं लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम क्या ही करें, क्विक अटैक। चलो भाई मुसीबत तो गया है। अरे यार इसके पास तो ये है डैम वाटर पल्स। अच्छा है कि यार इसका वाटर एब्जॉर्बेंट वाला एबिलिटी नहीं, नहीं तो यार मेरा वाटर पल्स बेकार कर देता ये। कमॉन दो अटैक में जाओ। चलो दो अटैक में तो गया, बहुत सही यार बहुत सही। लास्ट वन नीडो किंग। ओ मैन इसको हरा सकता आराम से, इसका तो एक ही वाटर पल्स मिल जाएगा, ग्राउंड ना है इसलिए। भाई पॉइजन यानी कि वेनम बैज हम लोग जीत लिया। इसका क्या इसको कहा जाता है, इसका जो पजल है वो भी हम लोग सॉल्व किए, इतना अच्छा था यार इसका पजल। थोड़ा सा हम गलती किए थे लेकिन हाँ सॉल्व कर लिए। और गेम प्ले यार हमको ये वाला काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, सेकी ब्रिज से भी हम लोग निकल गए। चलो चलते हैं हम लोग। देखो हम लोग का एपिसोड ये वाला काफ़ी ज़्यादा सही हुआ है, और तुम हम उम्मीद करेंगे यार तुम लोग मेरा गेम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखे हो। और हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ ऐसे ही पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाओ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो।